नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। इस वक्त हम कांग्रेस के कार्यालय में हैं लखनऊ, और हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो यहाँ के वार रूम के सदस्य हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव को लेके? कैसे 17 सीटों पे कांग्रेस अपनी रणनीति बना के आगे बढ़ रही है, इसी पे बातचीत होगी। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? और क्या चल रहा है तैयारी? अभी लोकसभा चुनाव सर पे आ गया है, तारीखें कभी भी आ सकती हैं, कैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस तो लोकसभा की तैयारी बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन जब से राहुल जी ने ये न्याय यात्रा शुरू की है उस समय से पूरे देश में एक माहौल बना है। और ये सत्य है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस देश में अगर जो अलोकतांत्रिक एक हिटलर शाही चल रही है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैद कर दिया गया है, इंसान की अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दी गई, जो सोशल एक्टिविस्ट, जो भी राजनीतिक नेता अगर वर्तमान ढांचे के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके घर ईडी, सीबीआई, कुछ कुछ हत्याएं हुई इस देश में पत्रकारों की, सोशल एक्टिविस्ट की, जस्ट बिकॉज दे वर सेइंग द ट्रुथ विच एवरीबडी नोज। तो आज ये चुनाव, मैं समझता हूं जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो माहौल था, वो जो दहशत के खिलाफ कांग्रेस के नेता सड़कों पे थे, जिन्होंने जान गंवाई, उससे भी महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस के लिए है। और इस जो इस अत्याचार के खिलाफ जिस बेखौफ बहादुरी से राहुल गांधी पब्लिक के बीच में कूद चुके हैं, उसका असर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे है। और उसी का प्रभाव है कि आज उत्तर प्रदेश में समझौता हुआ, राहुल गांधी का जो बढ़ता हुआ लोकप्रियता है उसके कारण, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको ये आभास हुआ, कांग्रेस ने उनसे निवेदन किया, उनको ये आभास हुआ कि आज अगर हमें इन विघटनकारी शक्तियों को परास्त करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। मतलब राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है, तो क्या पब्लिक में इसका इम्पैक्ट जा रहा है? क्या वो जो समझाना चाहते हैं जनता को, वो जनता समझ पा रही है? पहली बार राहुल गांधी ने सदैव अपनी राजनीति में सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों पर ही जोर दिया, वो जो एक कुटिल राजनीति है उसका हिस्सा कभी नहीं बन पाए, क्योंकि वो बहुत ही पाक साफ और पवित्र हृदय के व्यक्ति हैं। पहली बार राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं इस बार, वो मुद्दे ऐसे हैं जो नौजवान, किसान, मजदूर और जो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात थी उन पर चोट मार रहा है। और नौजवानों का जो जो जिनके साथ जो एक सौतेला रवैया, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, किसान, मतलब स्वामीनाथन जी को आप अलंकृत कर रहे हैं और उन्होंने जिस बात पे जीवन दिया उस पे धोखा दे रहे हैं आप, उस पे काम नहीं हो रहा है, उस पे धोखा दे रहे हैं। किसान आंदोलन किस, पे यस यस 700 किसान मारे गए, उनके परिवार को एक रुपए का मुआवजा नहीं मिला। 1.5 करोड़ मजदूर उत्तर प्रदेश में है मनरेगा में, पिछले 120 दिन से उनकी मजदूरी नहीं आई उनके खाते में, और नियम कह रहा है 15 दिन के अंदर आनी चाहिए। तुम्हें अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के लिए टैक्स वेवर के प्रोजेक्ट्स ला रहे हो, और जो गरीब जिसके घर में रोटी उस मनरेगा की मजदूरी से चलती है वो पैसा नहीं आ पा रहा है। इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी कि जो गरीब है और गरीब हो जाए, अशिक्षित हो जाए, जैसे वो कभी आवाज ना उठा पाए। दो महत्वपूर्ण सीटें हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि 17 सीटें आपको मिली हुई हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण सीटों की हम बात करेंगे, रायबरेली और अमेठी। स्मृति ईरानी जो अमेठी की मौजूदा सांसद हैं, पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को एक लंबे अंतर से हराया था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हिम्मत हो तो अमेठी से लड़के दिखा दे। उन्होंने यह भी दावा किया हुआ है कि इस बार वो रायबरेली छीन लेंगे, क्या कहना है इस पर? देखिए, राजनीति में इस तरह के शब्दों का नहीं प्रयोग करना चाहिए, और राजनीति त्याग तपस्या का एक परिभाषा होनी चाहिए। आप टीवी सीरियल, उसके बाद राजनीति में आई, आपने जो जो मुद्दे उठाए महिला सशक्तिकरण, महिला अन्याय के खिलाफ, आज देश में बलात्कार, आत्महत्याएं हो रही हैं। कानपुर में 2 महिलाओं के शव हत्या करने के बाद पेड़ में लटका दिए गए 4 दिन पहले, कहां है स्मृति ईरानी? केवल फिल्मी अंदाज से डायलॉगबाजी करने से राजनीति होती है? उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है,
जहाँ तक अमेठी रायबरेली की बात है, अमेठी रायबरेली और विशेषकर रायबरेली, मैं कहूँगा मैं रायबरेली अमेठी दोनों का भ्रमण करके आया हूँ, वहाँ की जनता गांधी परिवार को अपना परिवार मानती है। और एक बात और मैं बता दूँ, हार जीत कभी भी लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता कि कौन किसको परिवार मानता है। आप जानते हैं जाति ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण, और आप जानते हैं किस तरह लोगों का कहना है कि एक लोकसभा में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे भाजपा ने पिछली बार। गरीब को आप गरीबी का मजाक उड़ा के उसको खरीदेंगे? आज बताया जा रहा है कि जो भी घोटाले हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उसका 10-20-30% चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो, चाहे किसी तरह पैसा किसी कीमत पे मोदी सरकार चाहे प्रति व्यक्ति को खरीदना पड़े, धमकाना पड़े, लेकिन वो जानते हैं अगर उनकी सरकार गई तो उनका स्थान केवल तिहाड़ जेल है, इसलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी की बहादुरी के कारण हर कार्यकर्ता इस समय आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहा है। दो दिन पहले मैं कुछ डेटा से गुजर रहा था, कुछ आंकड़े मैं देख रहा था रायबरेली के। सोनिया गांधी जहां 2014 में 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतती हैं, 2019 में वो वोट का जीत का जो मार्जिन है वो घट के आधा हो जाता है, 1.5 लाख समथिंग हो जाता है। ये एक बड़ा अंतर हुआ है, यानी मतलब जनाधार गिर रहा है। तो क्या वाकई आप यकीन से कह सकते हैं कि 2024 रायबरेली कांग्रेस के खाते में पुनः आएगी? क्योंकि अफवाह है, मार्केट में कह रहे हैं लोग, मार्केट मतलब भाजपा के सहयोगी दल ये लगातार कह रहे हैं कि रायबरेली इस बार बदलाव के मूड में है। देखिए एक बात मैं अभी बता दूं आपको, कभी कभी भाजपा के नेता हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के कुछ दावे अक्षरतः सच होते हैं कि हम 515 वोट पाएंगे, और ईवीएम जब खुलता है तो 515 होते हैं। ऐसे पूर्व में बहुत उदाहरण है कि पता लगा 428 वोट से 10 प्रत्याशी जीते एक विधानसभा में, यह संभव नहीं है। लेकिन हम उनके सारे षड्यंत्रों को फेल करके जनमानस के समर्थन से उनके ये षड्यंत्रों को फेल करेंगे, ये बिल्कुल उनका धर्म है, वो हम उनके विरोधी दल हैं तो वो कुछ भी कहें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जहर जिसके कारण राहुल जी का चुनाव हार हुआ था, उस जहर की काट राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा है, मोहब्बत की दुकान है। वो मैं आपको बता रहा हूं, उसका असर इतना व्यापक हो चुका है कि हजारों करोड़ रुपए भी खर्च कर दे भाजपा तो उस असर का काट नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज और, मोहब्बत की दुकान का जिक्र चल निकला है तो अक्सर ये भी आरोप लगते हैं कि प्यार तो खरीदने बेचने की चीज नहीं है, तो दुकान वर्ड क्यों आया? देखिए एक बात समझ लीजिए, शब्दों के को पकड़कर मोहब्बत की दुकान का बड़ा स्पष्ट मतलब है, समाज में हम आपस में मोहब्बत बांटें। दुकान मोहब्बत सम्मान कभी खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। इट कम्स फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। लव इज वन थिंग, मोहब्बत एक वो चीज है जो सारे धर्म बताते हैं। गीता में कृष्ण जी ने केवल मोहब्बत और प्रेम की बात की है, और जहां प्रेम नहीं वहां धर्म नहीं हो सकता। अगर आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे तो प्रेम से बड़ा कोई चीज ही नहीं है, सब सारे धर्मों के सारे ग्रंथों का निचोड़ ही प्रेम है। तो राहुल गांधी सेइंग व्हाट, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ और सारे चिंतक इस संसार के कह चुके हैं। आज महात्मा गांधी को जो आलोचक भी थे वो कह रहे हैं कि हर विवाद सत्याग्रह या अहिंसा के माध्यम से ही सुलझ सकता है। तो आज जो षड्यंत्र चल रहा है वो इस बार लोकसभा में सफल नहीं होगा, और उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को इसलिए जाता है, कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ के झुक के इस देश में सभी क्षेत्रीय दलों से कहा कि हम तुम्हारे नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, तुम मिलो सब लोग, और इस जो समाज को खत्म करने के षड्यंत्र है, जो गंगा जमुनी तहजीब हमारी थी जिस पे कुठाराघात किया जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए हमें आपस में किसी तरह का ईगो नहीं रखना चाहिए। उसकी सफलता है ये। झुकने की नौबत आखिर में क्यों आई? क्या कांग्रेस कमजोर होती जा रही है इसलिए झुकना पड़ा? बिल्कुल स्पष्ट है, हमें जरा भी मुगालता नहीं है कि हम 3 दशक से अगर सत्ता में नहीं आए हैं तो हमारी कुछ कमियां रही होंगी। कमियां इसको दूसरी तरफ आप कह सकते हैं, हमने जाति की राजनीति नहीं की, हमने धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की, लेकिन सामाजिक रचनात्मक गतिविधि एक सबसे
मुख्य पहलू हर राजनीतिक दल का होता है, लेकिन अंतिम उद्देश्य सत्ता होता है, तभी तो आप अपने कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम कमजोर हैं और समाजवादी पार्टी मजबूत है, तो हमने उनकी बात मानी, हमने हमें उन्होंने सम्मानजनक सीटें दी, हम अपनी सीटों पर लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जहां वो लड़ रहे हैं हम उनको भी अपने कैडर से जितवाएं। 17 सीटें मिली हैं। Yes. अब परिणाम की बात करते हैं, प्रोजेक्शन की बात करते हैं। इन 17 सीटों में कांग्रेस कितने सीटों पे जीत दर्ज कर पाएगी, सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है। आज का जो मेरा आकलन है, जो हम लोग जिस तरह देख रहे हैं प्रदेश में, आज की तारीख में हम निश्चित तौर पे 10 सीटें जीत रहे हैं और आने वाले समय में 12-14 भी हो सकती हैं। लेकिन मैं कोई एक पॉलिटिकल डायलॉग बोल के खत्म नहीं करना चाहता हूं। वी आर विनिंग एट लीस्ट 10 सीट्स और भाजपा इस प्रदेश में 40 के ऊपर संख्या नहीं जाएगी, ये मैं भी आपको बता दूं। ये दावा है, ये पक्का दावा है। ठीक है, हमारा गठबंधन 40 सीटें जीतेगा। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।